वो ऐसी काम करेंगे, विकास करेंगे, और तो सब पूरा दुनिया लुटोरू है। हर चीज पे ओवैसी साहब हमारे लिए आवाज उठाते हैं। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन हम तो ओनली वन भाजपा। बात इनका समझ में आया, इन्होंने बात बहुत अच्छी कही, बात समझ में आई। योगी जो वो योगी जी किए हैं, जिनके लिए वो बात करेंगे, यहाँ पे होंगे योगी जी वाले, हम नहीं है। योगी जी का बात तो योगी जी का बात, वहाँ की बुला रहे हो, पहले जो आए उनकी बात करो। आप हिंदुस्तान से निकालना चाहते मोदी और योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जनता का रुख बदल रहा है। अब एमआईएम पार्टी आ गई उत्तर प्रदेश में, इससे पहले भी आई थी, लेकिन इस बार 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है एमआईएम पार्टी ने। फिलहाल आपको बता दूं कि सपा भी लगातार रैलियों पर रैली कर रही है। यहाँ पे अब ये जो गढ़ है, ये बताया जाता है सपा का गढ़ था, यहाँ पे ओवैसी साहब आए। क्या यहाँ के मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों की पे ज्यादा बात हो रही है आजकल लगातार, मुसलमान और यादव उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि जिस पार्टी के साथ चले जाए वो पार्टी कहीं ना कहीं जीत के पाले में खड़ी होती नजर आएगी। ये मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, यहाँ पे 60% बताया जाता है मुसलमान है। क्या ये ओवैसी साहब को वोट देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ कुछ लोग हमारे पीछे मौजूद है, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में एमआईएम, क्योंकि कल रात में भी यहाँ पे एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने, एमआईएम के अध्यक्ष ने बताया था कि किस तरीके से जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों पे अत्याचार कर रही, उसको लेके इनसे बात करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा चाचा, आज यहाँ आने की, आपके आने की वजह क्या है? मैं यही रहता हूँ भाई। अच्छा, तो सुनने आए कि खाली ऐसे ही आ गए? नहीं नहीं, सुनने आए, देखेंगे भाई क्या है, क्या क्या सोचा हुआ है, वो सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं है। हम तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को ये समाचार देना चाहते कि हम सब एक ही भाई हैं, सब एक ही जगह के रहने वाले, एक जगह पैदा होने वाले। तो क्या एमआईएम के साथ जाना है या सपा में? तो ऐसा है कि जो सही विकास, सही काम और सही सब चीज करेगा उसी के साथ है। कौन कर रहा है? ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब जो काम करेगा सबको मिलके रहेगा उसी के साथ है। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी तक उत्तर प्रदेश में तो आपका काफी टाइम हो गया, पहली बार आ रही सरकार, कह रही हम काफी काम करेंगे, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसने विकास किया? विकास तो अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश यादव ने किया, इस बार क्या सोचा है एमआईएम में जाएंगे आप? अगर अभी तो हम देखेंगे, अभी तो देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। हाँ, जो सबको लेके चलेगा वही लेके चलेगा वही। बीजेपी सब एक ही जगह के हैं। चलिए, योगी जी को 5 साल हो गए, 5 साल कैसे? हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। 5 साल बाहर दे, मैं देखा ही नहीं कुछ, तो क्या बताऊं? मतलब देखा नहीं, मतलब क्या काम देखा? नहीं, काम नहीं देखा, काम कोई भी नहीं नजर आया। अच्छा, योगी जी को 5 साल हो गए, कैसा लगा उनका काम आपको? 5 साल? हाँ, 5 साल होने वाले हैं। कैसा लगा काम, कैसा लगा? अरे वो बहुत मुसलमान का बहुत परेशान किया। काहे, कहाँ परेशान कर दिया? अरे सब बहुत हिंदुस्तान में मुसलमान इतना उनके लिए परेशान है कि यहाँ हिंदुस्तान से निकालने चाहते मोदी और योगी। हिंदुस्तान से निकाल? हाँ, निकालने चाह रहे। 15 लाख रुपए नहीं आया क्या? नहीं, 15 हम एको पैसा नहीं लिया, एको पैसा नहीं मिला, बाकी सबके में आया आपके गाँव में? अरे 3 दिन आए, 500 रुपया, 500 रुपए। घर बना? घर, घर तो हम बलहान कमाए। मोदी जी भी देते हैं पैसा? नहीं, तो मोदी से हमें देवे, लेकिन ना हम देवे क्या। शौचालय की बात करें अगर, तो शौचालय भी नहीं, हमें हमारे घर में बना। अच्छा, अखिलेश यादव कैसे हैं आपके हिसाब से? अरे ये अखिलेश यादव तो ठीक थे, वो इलेक्शन में यहाँ जीते रहे तो। अच्छा, सही है, काम कैसा करते हैं? वो तो सही है, काम करते हैं। अरे काम तो वो सही किया। बताया जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव जो है वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं एमआईएम के साथ, एमआईएम जो कह रही है। तो आप उतना हम थोड़े पढ़े लिखे आदमी, वहाँ रहते ना, मेहनत मजदूरी मार रहते हैं, वहाँ तो क्या कहेंगे? सुनने आए या फिर वोट भी देंगे आप लोग? हम सुनने आए हैं, वोट भी देंगे, लेकिन कोई विकास करता नहीं है भाई। क्यों, कौन नहीं विकास करता? योगी जी कह रहे अर्थव्यवस्था। अरे योगी जी, क्या योगी जी का बात, तो योगी जी का बात वहाँ की बुला रहे हो, पहले जो आए उनकी बात करो आप। चलिए इनकी बात करते, ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती तो इस बार कहीं ना कहीं जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है वो हट जाएगा, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। हाँ, ये दलित और मुसलमान पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन जैसे ये है कि आपका ये मजमा लगा है, इसमें इसीलिए लगाया गया है कि जो है पब्लिक इसको चुना जाए, वोट दिया जाए ओएसी को, ओएसी काम करेंगे, विकास करेंगे, और तो सब पूरा दुनिया लुटोरू है, वो लूट रहा है, आंख में धूल डाल के लूट रहा है। अखिलेश यादव कैसे थे? अखिलेश यादव भी अपने जमाने में अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा, तो इधर अगर आप आए अच्छी लगेगी स्पीच तो आप वोट देंगे, वरना कोई बात नहीं? हाँ, क्यों, देखो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आप सब सुन सकते हैं, हमको खाली विकास चाहिए, हमारे गांव का विकास चाहिए,
और हमारे गरीब को विकास चाहिए, जो जिसको मिलना है उसको चाहिए। योगी जी तो कर ही रहे विकास, योगी जी क्या कर रहे हैं, बाटला का इतना दाम है, चावल दे दिए हैं तो भी क्यों पाया कोई नहीं पाया, ये उनकी बात मत लाइए भाई। हाँ दिए राशन मिला नहीं आपको? नहीं मिला, नहीं मिला। आपको मिला भाई? वो किसी को नहीं मिला, बड़े बड़े को मिला, हाँ गरीब को नहीं मिला। मेरा नाम चिनके उर्फ पंजाबी महुआ बाजार गौतम। ठीक है पंजाबी है तो कहाँ यहाँ कैसे पहुँच गया? क्या कहेंगे आप? किसके बारे में आए या फिर वोट भी देंगे? अभी तो वोट ही देंगे। वोट देंगे सीधा बिना सुने वोट दे देंगे? नहीं आएंगे फिर भी देंगे, फिर भी देंगे, नहीं आएंगे। अच्छा रिश्तेदार है इसलिए वोट देंगे? नहीं रिश्तेदार नहीं, मैं डॉक्टर मन्नान को नहीं दे रहा हूँ, मैं ओवैसी साहब को दे रहा हूँ। ओवैसी साहब कोई भी कैंडिडेट हो, ओवैसी साहब को देने की वजह जान सकता हूँ? हाँ क्या वजह? क्या है वजह? मोहब्बत में दे रहे हैं, मोहब्बत में दे रहे हैं। लोग कहते हैं मोहब्बत में देंगे, अच्छी बात है ना, मोहब्बत में तो वोट ही देना चाहिए। हर हर आवाज, हर बात में आवाज उठाते हैं ओवैसी साहब, हर चीज में, जो छोटी बड़ी बात कोई भी हो, छोटी बड़ी बात कोई भी, जैसे आपके हिसाब से हम, जैसे हमारे मसाइल कोई भी हो, हर चीज पे ओवैसी साहब हमारे लिए आवाज उठाते हैं। कोई और नहीं उठाता? कोई और क्या उठाता है? उत्तर प्रदेश का सपा ने आधा एक लीटर दूध में एक लीटर पानी मिला के पूरा मुल्ला मुलायम का रच दिया है। अब हम लोग मालूम हो गया है क्या होना चाहिए क्या नहीं। ओवैसी साहब हमारे लिए बहुत अच्छे नेता हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, उनको वोट देंगे। नहीं सपा ने आपने बोला दूध में मतलब पानी मिला है, कहाँ कह सकते हैं आप? क्या घोटाला ऐसा कर दिया उत्तर प्रदेश में? क्या क्या किया है हमारे लिए? क्या किया है हमारे लिए? सब कुछ अब तक वोट उनको ही तो दे रहे थे, क्या किया है हमारे लिए? लैपटॉप दिया आपको, सड़के किसको दिया है लैपटॉप? यहाँ पे किसी को मिला है भाई? बताइए किसी को मिला है लैपटॉप? किसको मिला है? चलिए ठीक है योगी जी, अगर बात की जाए योगी जी तो कर, योगी जो वो योगी जी किए हैं जिनके लिए वो बात करेंगे, यहाँ पे होंगे योगी जी वाले, हम नहीं है। प्रशासन टाइट दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रशासन टाइट पूरे गुंडे भागे, गुंडे पूरे नहीं भागे, एक दो खाली भाग, पूरे कहाँ भागे? मैन गुंडा है कौन आपको पता है? अतीक अहमद खाली मैन गुंडा है, आजम खान खाली मैन गुंडा है, बस दो ही है, दो भागे, दो को जेल में डाले, भागे किधर? जेल में डाले हैं दोनों को, आजम खान अतीक अहमद और किसको डाले? प्रशासन तो टाइट हो गया ना, तो टाइट दो के लिए खाली हुए ना, आजम खान अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, ये हैं दो तीन, बस ये दो तीन गुंडे हैं। सबसे बड़ा गुंडा है कौन गोरखपुर में? कौन है आप बता दीजिए, हमको तो पता है, आपको भी पता होगा, मैंने पूरे यूपी में, पूरे यूपी पाकिस्तान से बड़ा यूपी है, पूरे में तीन गुंडे हैं, अतीक अहमद नहीं, अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, ये तीन गुंडे हैं। आप ये बता दीजिए, हमको नहीं पता कितने गुंडे हैं, आपको तो पता न्यूज वाले हैं, आपको पता होगा कि कितने गुंडे हैं, तीन हैं, आप बता दीजिए। नहीं है एनकाउंटर तो किया ना उन्होंने? किनको एनकाउंटर? नहीं जेल में डालना चाहिए, एमआईएम को जाएगा यहाँ से, बस क्यों जाएगा आप इतना? एमआईएम हमारे हक में आवाज उठाते हो, पार्लियामेंट से लेके पूरे हिंदुस्तान में हमारे लिए आवाज उठाते हो, एमआईएम रिलीजियस वाइज पार्टी बनेगी, हर पार्टी करती है, रिलीजियस वाइज हर पार्टी करती है, बीजेपी सपा सब कर रही है, सब टोटल टोटल पार्टियां कर रही है। कब सपा ने मुजफ्फरपुर का जो दंगा हुआ किसने करवाया था? बैठे रहेंगे एक ही दंगे को लेके, हमको बीजी उससे अच्छा तो बीजेपी है। क्या बीजेपी? बीजेपी पूरे यूपी में 1000 मुसलमानों को नहीं कटवाया, लेकिन ये सपा ने 30,000 मुसलमानों को मुजफ्फरनगर में कटवा दिया, उसकी सरकार थी 30,000 सही बात है। हम सपा बीजेपी से, बीजेपी तो बीजेपी ठीक है, 1000-2000 नहीं कहीं कटवाया, लेकिन इसका सरकार था इसका सपा का, 30,000 कटवाया कि नहीं कटवाया? मैं भाई वनलीवल भाजपा, भाजपा को, भाजपा तो फिर इधर ही आए हैं, मेरा घर है गांव है, तो ताली तो आप ही बजा रहे हैं, ताली बजा रहे, अच्छी अच्छी बात के ताली बजाए हैं, इनका बात मेरे समझ में आया, बात इनका समझ में आया, इन्होंने बात बहुत अच्छी कही, समझ में आई, स्पीच अच्छी लगी तो आप एमआईएम को वोट देंगे? स्पीच अच्छी सुनेंगे, सुनेंगे, अगर स्पीच उनकी समझ में आएगी और हमें बेहतर लगेगी तो उनको ही वोट देंगे। हमें बीजेपी से नफरत नहीं है, सपा से ज्यादा है नफरत, सपा भी एमआईएम से, हमें एमआई से कोई नफरत नहीं है, हमें एमआई से कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है, हम दोनों मिले हुए
कारनामा दे के सपा का अखिलेश का जो सरकार थी, हाँ इससे पहले सरकार थी ना मुजफ्फरनगर में, क्या हुआ? ईद में जाते सवाई खाते, कौन सवाई खाते? अरे अखिलेश यादव की पूरे वो के मुलायम सिंह के जितने बहु है सब ठाकुर है, तो इसका मतलब क्या? इसका बताओ क्या? मुल्ला मुलायम, मुल्ला मुलायम बोलने से क्या? जो बोला होगा, जो बोला होगा, हम लोग तो नहीं बोले है ना। तो आपको सपा नहीं पसंद है कुल मिला के? नहीं नहीं, कुल मिला के जो जीता वही सिकंदर, लेकिन हम तो ओनली वन भाजपा हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। अगर आप एमआईएम की आपने बोला ना स्पीच अच्छी लगे तो दे सकते वो। हाँ एमआईएम अगर अच्छी है कहीं बुरी पार्टी थोड़ी ना है। सपा को नहीं देंगे, बाकी सपा को जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छा बता दीजिए, आप जो कहा जाता है एमआईएम बी पार्टी है, तो ये मान लेगा बी पार्टी? क्योंकि लगातार मैं ये बात नहीं मानता हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। कहने तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। क्या कहेंगे लोग, कहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है? अरे ए और बी, हर खेल का मैदान कुछ भी हो, ए बी तो रहती है, हा? ए बी तो रहता है, वन नंबर मोदी, दूसरा नंबर ओवैसी, इंशाल्लाह ओवैसी भी गठबंधन कर रहे हैं, इसीलिए तो सब लोग बोलते हैं कि सेक्युलर नहीं है दोनों। कौन सेक्युलर नहीं? इंशाल्लाह ओवैसी कामयाब होगी इंशाल्लाह, ठीक है? लगता है आपको? हाँ लगता नहीं, 100% लगता है। 100 सीटों पे कितनी? कुछ भी तो आएगी, कुछ भी आएगी, हिस्सा तो मिलेगा हमें, हिस्सा तो मिलेगा, हम हिस्सेदार तो होंगे। हिस्सा तब मिलेगा ना जब आपके साथ आएगी इंशाल्लाह। करेगा कौन? करेगा गठबंधन को, हमें किसी की जरूरत नहीं है। गठबंधन सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया, बसपा से किया, सुपारा साफ हो गया। मैं गठबंधन कर लूंगा तो उसका भी सुपारा साफ हो जाएगा, हम लोगों का भी हो जाएगा। डर लगती है गठबंधन करता, डर है तो गठबंधन करे, हमको नहीं डर है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।